नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है प्रमुख खबरें। रामलीला मैदान में शपथ लेंगे केजरीवाल, पूरी दिल्ली को न्योता। दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। 70 में से 67 सीटें जीतकर पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रम दूर कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस मुक्त भारत की ओर पहला कदम रख दिया है। ऐतिहासिक जीत के बाद 14 फरवरी को रामलीला ग्राउंड में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। अरविंद केजरीवाल ने FM रेडियो के जरिए लोगों से शपथ ग्रहण में बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील की है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया जाएगा, साथ ही किरण बेदी को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। पिछले साल 14 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और पूरे एक साल बाद फिर वही रामलीला मैदान में वे शपथ लेंगे। अरविंद केजरीवाल और उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि 14 फरवरी को प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र के दौरे पर भी जाना है। हालांकि मोदी ने कल फोन करके केजरीवाल को चाय पर बुलाया है। साध्वी प्राची ने फिर दिया विवादित बयान। विश्व हिंदू परिषद का घर वापसी कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक 15 करोड़ लोगों को फिर से हिंदू धर्म में नहीं लाया जाता। यह बयान विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आजादी मिलने के बाद हिंदू धर्म छोड़ने वाले 15 करोड़ लोगों की घर वापसी पूरी होने तक धर्मांतरण का कार्यक्रम जारी रहेगा। अलीगढ़ के पुराने शहर में आयोजित एक सम्मेलन में प्राची ने कहा कि धर्मांतरण का कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक 15 करोड़ लोगों की हिंदू धर्म में वापसी नहीं हो जाती, क्योंकि आजादी के बाद इतनी ही संख्या में हिंदुओं ने धर्मांतरण कर लिया था। सम्मेलन के दौरान प्राची ने महात्मा गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आजादी हासिल करने के लिए सच्ची कुर्बानी तो दूसरे लोगों ने दी थी, इसका श्रेय वीर सावरकर और भगत सिंह को दिया जाना चाहिए। साध्वी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की आबादी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया अपना आंदोलन जारी रखेगी। साध्वी प्राची ने कहा कि मुझे और भाजपा सांसद साक्षी महाराज को लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हम भयभीत नहीं हैं और हिंदू समुदाय के अधिकारों के लिए काम करते रहेंगे। अब दूरदर्शन करेगा भारत पाक मैच का प्रसारण। भारत के हर कोने में अब दूरदर्शन के माध्यम से टीवी की पहुंच है। हाल ही में शुरू होने वाले विश्व कप क्रिकेट का दूरदर्शन के प्रसारण को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन सभी संशयों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मैचों की लाइव फीड केबल ऑपरेटरों से साझा करने से दूरदर्शन को प्रतिबंधित करने के आदेशों पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रसार भारती की अपील पर सुनवाई के लिए हामी भरते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और स्टार इंडिया लिमिटेड से जवाब तलब किया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम की धारा 8 के तहत सभी केबल ऑपरेटरों के लिए दूरदर्शन के कम से कम 2 चैनलों को मुफ्त दिखाना अनिवार्य है। आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग का नोटिस। आम आदमी पार्टी जहां अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रही है, वहीं 2 करोड़ रुपए के चंदे के मामले में आयकर विभाग ने पार्टी को नोटिस भेजा है। इसके बारे में 16 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा गया है। आवाम नाम के एक NGO ने आरोप लगाया था कि आपने एक ही व्यक्ति से 4 अलग अलग कंपनियों के नाम से 2 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। आप पर आरोप है कि उसने हवाला के जरिए चंदा लिया है और पार्टी ने अपनी ब्लैक मनी को वाइप किया है। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ऐसी ही और खबरों के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।